अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने दही लिया एक प्याली, बिरयानी मसाला लिया एक पैकेट, दो बड़ी प्याज काटी हैं, तीन टमाटर, छः सात सब्ज मिर्ची, अदरक लहसुन को मैंने इस तरह ब्लेंड कर लिया है, 1 किलो चिकन ली है, 2 ग्रास बासमती चावल लिए हैं, चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था, नमक लिया है 1 चम्मच, दो सब्ज मिर्चें ली हैं उन्हें सेंटर से काट लिया है, सब्ज धनिया और पुदीना लिया, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया, ये मैंने चावल बॉईल करने के लिए लिया है। बाउल के अंदर मैंने चिकन डाल दिया है, अब मैं डाल दूंगी इसके ऊपर बिरयानी मसाला, टमाटर अदरक लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट, इसके ऊपर दही डाल दूंगी, अब इसे मिक्स कर लूंगी अच्छी तरह से। चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मसाले के साथ, अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पर एक पतीले के अंदर मैंने पानी रखा है चावल बॉईल करने के लिए, इस पानी के अंदर मैं डाल दूंगी सब्ज मिर्चियाँ दो कटी हुई, धनिया और पुदीना, नमक, अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 चम्मच, अब मैं दोबारा इसे कवर कर दूंगी। यहाँ पर पानी के अंदर बॉयल आ चुका है, मैं डाल दूंगी चावल, अब मैं चावलों को मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। चावलों को बॉईल कर लूंगी अब। यहाँ पर चावल बॉईल हो चुके हैं, अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और चावलों का पानी छान लूंगी। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है, इसके अंदर डाल दूंगी कुकिंग ऑयल, ऑयल डाला है मैंने तकरीबन 1.5 कप, ऑयल गर्म हो चुका है, मैं डाल दूंगी प्याज, प्याज को ब्राउन कर लूंगी। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुकी है, अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर चिकन, चिकन अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। चिकन दही और टमाटर के पानी में गल जाएगी, इसको मैं मीडियम फ्लेम पर पका लूंगी। अब मैं इसे कवर कर दूंगी, फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। चिकन को कवर करके मैंने तकरीबन 20 मिनट पका लिया है, चिकन का पानी फिक्स हो चुका है, अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने दूसरा पतीला लिया है बड़ा, इसके अंदर मैं एक तह लगा लूंगी चावलों की, अब मैं इसके ऊपर चिकन डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी फ्राई की हुई प्याज, सब्जी मिर्चियां कटी हुई, लेमन के स्लाइस डाल दूंगी, सब्ज धनिया और पुदीना। अब दोबारा से इसके ऊपर चावलों की तह लगा दूंगी, चिकन और चावलों की तह मैंने लगा दी है, अब मैं इसके ऊपर कलर डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने येलो कलर लिया है,
अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी फ्राई की हुई प्याज। सब्ज मिर्चें कटी हुई, लेमन के स्लाइस, सब्ज पुदीना और धनिया। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और दम पे रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। फ्लेम को मैंने लो कर दी है। यहाँ पर बिरयानी को दम पे रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे डिश आउट कर लूंगी। यहाँ पर चिकन बिरयानी मैंने डिश आउट कर ली है। अगर आपको मेरा आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।